नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विजय फॉर यू में। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि मदरबोर्ड से चिप कैसे कबाड़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे उस कबाड़े हुए चिप को कैसे बॉल बनाते हैं। तो बॉल बनाने के लिए चाहिए हमें स्टेंसिल, जिस नंबर की चिप होगी उसी नंबर का स्टेंसिल होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 00011 है, इसमें 0.4 नंबर की बॉल लगती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टेंसिल में इसको फिट करेंगे, ऐसे से फिट कर लेना है इस तरह से, और फिर सोल्डिंग आयरन के मदद से इसको जो अभी हमने कबाड़ा है, जो रंगा लगा हुआ है पहले से, बॉल लगी हुई है वो सारा हमें हटा देना है। तो पहले इसमें पेस्ट लगा लेंगे, ये पेस्ट है, इसमें हम लोग अच्छे से पेस्ट को लगा लेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के से पेस्ट लगा लेना है, फिर सोल्डिंग आयरन की मदद से इस तरह से धीरे धीरे जो भी वेस्टेज रंगा होगा वो एक करते करते हटा लेंगे वहाँ से, इस तरीके से धीरे धीरे हटा लेंगे। जैसे देख सकते हैं ये पूरा रंगा जो है हट गया है, कुछ कुछ रह गया है, तो इसको पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं थिनर से, इस तरीके से साफ कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे, और अब क्या करना है, डिशोल्डर वायर से जो भी हल्के फुल्के जो रंगा रह गया होगा उसे हम लोग पूरा चिप को चिकना करना है। तो यह है डिशोल्डर वायर, बस इसकी मदद से जो भी रंगा होंगे उसको हटा लेना है। इस तरीके से दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे धीरे 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 करके हटाएंगे। जैसे आप चमक देख सकते हैं, हर एक बॉल जो है वो चमक जाएगा। अगर इसको हटाते हुए अगर कोई बॉल साइन नहीं करता है, कोशिश करने के बाद भी नहीं साइन करता है, तो वो समझ लीजिए कि वो चिप ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं है रिवॉल्व करने की। तो इसमें हमने देख लिया है, पूरा चेक कर लिया है, तो चेक करने के लिए पूरा एक बार फिर से साफ़ कर लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेंगे ब्रश लगा के थिनर से। ये देखिए सारा बॉल जो है वो एकदम बखूबी दिख रहा है, जैसा उसको दिखना चाहिए था। इसे हम थोड़ा पोंछ लेंगे टिश्यू पेपर की मदद से। अब इसमें हम लोग जो है वो बॉल बनाएंगे, अच्छे से साफ कर लेते हैं पहले। अच्छे से साफ हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें बॉल बनाएंगे, तो बॉल बनाने के लिए स्टेंसिल में इसको जैसे फिट किए थे उसी तरह से फिर से फिट कर लेंगे, ठीक है। इसको पूरा चिकना होना चाहिए, तो टिश्यू पेपर की मदद से पूरा साफ हो जाना चाहिए, पूरा साफ हो गया ये देखिए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि स्टेंसिल है, इसमें तीन साइड जो होंगी ना उसमें जो है देख सकते हैं, देखिए एक साइड आपका एरो बना हुआ है और बाकी तीन साइड कुछ नहीं है, और नंबर आप देख लीजिए 0011, ये चिप का नंबर है मेरा। अब देख लीजिए चिप में भी एक साइड पॉइंटर बना हुआ है, तीन साइड पॉइंटर नहीं है। इसमें भी इंटरनेशनल में देख लेना, एक साइड जो पॉइंटर बना हुआ है उसी साइड में आपको फिट करना है, इस तरीके से अच्छे से फिट करेंगे। ऊपर से आपको देख लेना है कि वो जो चमकता हुआ जो है वो दिखना चाहिए जिसमें आपका बॉल लगेगा। ये 0.4 की नंबर की बॉल है, इस तरीके से रख देंगे, और बहुत ही आसानी मतलब सावधानी के साथ में एकदम हल्का सा चारों तरफ स्प्लिट करना है। देखिए इस तरीके से बॉल जो है वो ना जाए, कि एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर ना सटे, इसलिए हम लोग ज़ोर से करते हैं, कर लें, और जो वेस्टेज है वो हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए कभी कभी किसी किसी में नहीं रहता है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी जितना में भी अच्छे से बॉल लग गया है वो लग गया, अब आराम से एक झटके से ऊपर नीचे करके देखें ऐसे निकालेंगे। अब देख रहे होंगे स्टेंसिल में भी कुछ कुछ बॉल मेरा आ जाता है ऊपर, तो टेंशन नहीं लेना है। अब आपको देखना है कि जहाँ जहाँ बॉल नहीं है ना उससे कोई भी पतली चीज़ से आप उसको जो बॉल होंगे उसको बैठा देना है, या तो हल्का सा गीला कर ले, थूक लगा लें, या कुछ भी कर लें। अब एक एक करके जहाँ जहाँ बॉल नहीं लगी है
अब उसमें बॉल लगा सकते हैं इस तरीके से। धीरे धीरे जहाँ जहाँ बॉल नहीं है वहाँ आप बॉल लगा देंगे। गौर से देखना है जहाँ जहाँ नहीं हो गया या जहाँ जहाँ टेढ़ा होगा वहाँ वहाँ। ये हमारा हॉट गन है, इसको एयर जो है एकदम कम कर देना है और हीट थोड़ी सी बढ़ा देंगे आप। एयर कम करेंगे और ऊपर से हल्का 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 एयर दे देंगे। हॉट गन मेरा गर्म हो चुका है, अब इसको कैसे हीट देना है वो देखिए। एक कोने से स्टार्ट करेंगे, जैसे इस कोने से मैं ले रहा हूँ, इस कोने से स्टार्ट करेंगे हल्का 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 हिलाते हिलाते पूरा चिप में कर देंगे। ये थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। और देख सकते हैं मेरा जो सारा बॉल जो है वो एकदम एक्यूरेट लग गया है। इसी तरह से आप किसी भी चिप का बॉल बैठा सकते हैं। तो आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।